ਕੈਮਰਾ ਕੁਮਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲਾਉਣੀ ਹੋਣੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲਾਉਣੀ ਹੋਣੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਮਾਈਕ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ जिंदा दिल बंदा जिन्हू 8 तारी SIT ने बुलाया 7 तारी मैं पेश होया कई होंगे जेड़े जिंदे जी मरे होंगे मुर्दा दिल केजरीवाल साहब वर्गे निकू जिन्हू 8 तारी बुलाया ते 0 बारी पेश होए क्योंकि मन च चोर है शराब घोटाला पंजाब दा दिल्ली दा जिदे च उन्हां दे मंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर सारे अंदर दित्ते होए ससोदिया संजय सिंह जैन ते हुण उन्हां दी भी वारी नेड़े जापदी है। इसलिए भराओ मैं तो हमेशा कहा कि मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हाँ, कानून च विश्वास है और यही है। एक केस हुण 11 साल तो भी वध पुराना हो गया, कोर्टा ने इस केस च फैसले सुनाते है, मगर मैं ना मानू दा तां इलाज कोई नहीं। वो थोड़ा मैं बोलबाल पैना भगवंत सिंह मान के खिलाफ, उन्हूं ढिड पीड़ हो जाती है। वैसे तो मैं उन्हूं बधाई देना चाहना कि भाऊ बिग बॉस फेल करता परसों तू विधानसभा च, इन्ना तो उत्थे टपूसियां नहीं वजदियां जिन्नी तू विधानसभा च मार पई और ताला लैके आया सी। मेरी तो हाथ जोड़ के दी माता जी नू ते धर्म पत्नी जी नू बेनती है कि ओल माड़ी ओनू ताला ला लो जिथे मूँह मां मार के आ जांदा, क्योंकि खा पी के पता नहीं की आ जांदा, गलत बोतल नू हाथ पै जांदा ते विधानसभा च गाह पाउंदा फिरदा। वेखो प्रताप सिंह बाजवा नू जिन्हां दी उम्र मैनूं लगदा 70 साल दे नेड़े तेड़े होण नू आई आ, उन्हां नू कहिंदा ऐ कि जिवें अखियां ना गोली मारूं। भरावा तेरी अखियां च अखां पा लियां प्रताप बाजवे, उन्हें तां शराबी हो जाणा 2 मिंट च टुन हो जाणा। तूं पता नहीं की कुछ खा पी के आउंदा विधानसभा च, जो हालात बने आ। देखो लीडर ऑफ ऑपोजिशन नू इह कहिणा तेरा मुंडा फिल्म स्टार बनना चाहुंदा, की उह बजट दा किहड़े गवर्नर एड्रेस का हिस्सा हो? शायद पंजाब दी इतिहास च, देश दे इतिहास च, दुनिया दे इतिहास च किसे लीडर ऑफ द हाउस ने जिहदा काम है विधानसभा चलाउणा पंजाब दे भले दे फैसले करने, उत्थे जो हरकतां करतूतां कीतियां ना पहला ना अगे कदे, एडी शर्मसार प्रोसीडिंग शायद कोई मुख्यमंत्री दी लीडर ऑफ द हाउस दी वेखण नूं मिलेगी। जिहड़ा लीडर ऑफ द हाउस आप ही वैल च आउण नूं फिरदा सी, उहनूं मसा हटाया लोकां ने, इह तों पता लगदा है कि दिमाग ते किस तरीके दा बोझ पिया। इसलिए मेरी तां माता जी नूं बेनती है, डॉक्टर गुरप्रीत कौर जी नूं बेनती है, दा को इलाज लूज करा दिओ, एवें ना हिल जे जो काम उत्थे करदा फिरदा। मुड़ के की दसोंगे कि पापा जी सियाने होंदे सी हुण हिल गए? ना करो भाई इह जे काम, गल करो पंजाब दी। और कल जिहड़ा बजट पेश होया, देखो जिहड़े कहिंदे सन असीं पंजाब नूं करजा मुक्त बना देंगे, 3,74,000 करोड़ तो आपदे मूहों मनते हैं कि करजा चढ़ जाना, कहण दा भाव कि जद तक साल दा खत्म होना है, मेरे हिसाब नाल 4,00,000 करोड़ ते जाऊ। हर पंजाबी ते कोई 1,25,00,000 दे नेड़े तेड़े एक बंदे ते करजा चढ़ जाना। और रिजल्ट की है? डिवेलपमेंट 0, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट लई कोई पैसे नहीं,
एग्रीकल्चर ली पैसे कटाते, डाइवर्सिफिकेशन पैसे कटाते, जेड़े कहिंदे सी असी MSP दवांगे, MSP दा किथे तुसी ता ओ बीबी कहिंदी सी ना, ऐ मैं तो कहना उन्हूं ही बना दियो मुख्यमंत्री, की पता ऐ दे दे MSP ते। बीबी अनमोल कौर, अनमोल ने कम यह जी करने, उन्हूं बना दियो, नहीं तो खजाना मंत्री ते CM शायद MSP दे ही दवे तई फसलां ते। MSP वास्ते कोई प्रोविजन नहीं, 1000 रुपए धीआं भैणां नूं देण लई कोई प्रोविजन नहीं। पंजाब दे खेत मजदूर किसान खुदकुशी कर रहे हैं, नौजवान वास्ते इंडस्ट्री वास्ते कोई बजट च प्रोविजन नहीं रखे है। डिवेलपमेंट वास्ते इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट लई सारा काम कैपिटल एक्सपेंडिचर कटाता। विधानसभा च पंजाब दे भले की तो गल हो नहीं रही, लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन पजामी कहे जी पाउंदा, तू इत्थे आके बह जा, तेरा मुंडा फिल्म स्टार नहीं बन सकता, एक केड़ा पंजाब दा भला होजू इहदे नाल। जरूर मुख्यमंत्री समझाउण दी कृपालता करन। बाकी मैं हाँ जी, दलित सीएम नूं लैके एक लड़ाई दिखाई दे रही है, जिवें सुरेंद्र कोटली ने मुद्दा चुकिया कि दलितां नूं माड़ा चंगा बोलिया गया, पर एक सीएम दलित सीएम की गल की सी कि डिप्टी सीएम होना चाहिए, उस नूं लैके किस तरह देख रहे? देखो केजरीवाल साहब नूं, भगवंत मान नूं, जिन्हों प्यार नाल उन्हां दे परिवार दे जुगनू बुलाउंदे आ, ते दास भी उन्हों जुगनू बुलाउंदा, जुगनू नूं कोई गरंटी याद करा देवे उहदी, या जुगनू नूं कोई उहदा वायदा याद करा देवे, ते उहदे बारे फिर उहदे खिलाफ टिप्पणी करदे आ। और बड़े अफसोस की गल है, चीफ मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज, चीफ मिनिस्टर इस्तीफा देवे या उहदे खिलाफ परचा दर्ज होवे, क्योंकि एक दलित भाईचारे नाल गुरु रविदास महाराज की पैरोकार, गुरु रविदास महाराज के रविदासिया भाईचारे कम्यूनिटी चो संबंधित एक MLA ने सिर्फ गरंटी याद कराई, और उस गरंटी याद कराने का उन्हें यह कहा गया कि इनू दौरा पै गया, इनू जुत्ती संघाओ। मैनू तो लगता जो विधानसभा च करतूत मुख्यमंत्री कर रहा, दौरा तो इनू पिया सी, कोई इलाज तो यदा कराने वाला, ते जेरा गरंटी याद करावे उन्हूं तुसी जाति सूचक टारगेट च लो कि एक पर्टिकुलर कम्यूनिटी नूं, जे इस कम्यूनिटी च सानू सब नूं बड़ा माण है, उहदा असीं सत्कार करदे हैं, ते चीफ मिनिस्टर इह जी शब्दावली वरते कि इहनूं जुत्ती संघा दिओ, इट जस्ट गोज़ टू शो कि मैंटल लैवल, मैंटल सिकनैस मुख्यमंत्री साहब दे केस पद्धर ते होगी। इसलिए अज मैं हाँ जी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, मैं 13 दिन 13 लोकसभा जीतांगे, पर अकाली दल और BJP तो कोई औखा हो रहा है। परनीत कौर वधिया बोलिया भी अलायंस होना चाहिए, एक और 11 परनीत कौर ने 13 नु मात दोगे जी आम आदमी पार्टी? इस तरह मेरा वीर मुख्यमंत्री तो बहुत कुछ बोलता, और जिन्ना कुछ वो बोलता उहदे बारे मैं तो हर गल ते तो उहदी टिप्पणी नहीं कर सकता, मगर लोगों ने फैसला करना है, 13-0 होना कि 0-13 होना है, लोगों को हले वोटा तो पा लैन दो, इन्हें कड़ी बिच वड़ गया कि मशीन दे पहला ही। नहीं स्पीकर तो बेचारा हाथ खड़े कर गया, बाजवा साहब की पजामी दिसपी तो स्पीकर की ना दिसी, उन्होंने स्पीकर साहब न चाहिए सी कि किसी के परिवार बारे कोई टिप्पणी हो रही है, या जेड़े वे उस विधानसभा के मैंबर नहीं है, कोई विधानसभा दियाँ परंपरावान ने जेड़े मैंबर हाजिर ना हो, जेड़े मैंबर इस दुनिया च ना हो, जेड़े मैंबर मैंबर के वजो ना होके से उन्होंने बारे फजूल की टिप्पणी करी जानी कि ये पंजाब का भला हो रहा। मुलाजमान ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं दे रहे, मुलाजमान का DA नहीं दे रहे, नौजवान नूं नौकरी नहीं मिल रही, पंजाब की इंडस्ट्री नूं ताले लग गए हैं, उहदे बारे जिक्र कोई नहीं। ताला तो मेरा भी उन्हूं आपदे मूंह ते ला लेना चाहिए, पंजाब का भला हो। एक चुप
ਤੇ 100 ਸੁੱਖ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਤਰਫ ਮਜੀਠੀਆ ਗੜਜੂੜ ਬਣਦਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ 4-5 ਆ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਚੁੱਕੇ 8 ਆ ਰਹੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਔਰ 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 6 ਸਿੱਟਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਾ ਇਹ ਸਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੈ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟ ਸਿੱਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ SSP ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਅਕ੍ਰਿਤੀ ਬਾਈ ਸ਼ਕੁਨ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ CM ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ CM ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਧ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ ਉੱਦਣ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਲਵਾ ਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਚਾਰਾ ਡਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਛੜ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂ ਜਿੱਦਣ ED ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਐ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਨਿੱਕਾ ਨਿਆਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਹਾਲ ਉਹਦਾ ED ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਐਡਾ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਡਰਦਾ ਚਲੇ ਜਾ ਝੂਠ ਕਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ED ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਦੱਸ ਕੇ ਆ ਜਾ ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ FIR ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਹ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਿਖਤੀ ਲਿਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਹ ਚਟੋਪਾਧਿਆ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਆਹ ਅਗਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਅਗਲਾ ਉਤਲਾ ਨਹੀਂ ਉਤਲਾ ਹੋਰ ਨਾ ਕੁਝ ਕੱਢ ਲਈ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਯਾਰ ਆ ਮੈਂ ਜਿੱਡਾ ਚਿੱਠਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਹ ਚਟੋਪਾਧਿਆ ਦੀ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਚਟੋਪਾਧਿਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬ੍ਰੀਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਟੋਪਾਧਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਿਜੈਕਟਡ ਮਾਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਚਟੋਪਾਧਿਆ UPSC ਦਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਚਟੋਪਾਧਿਆ VP ਸਿੰਘ ਇੱਕ PO ਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਸਨੇ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਚਟੋਪਾਧਿਆ ਸਰਬਜੀਤ PO ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਟੋਪਾਧਿਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚਟੋਪਾਧਿਆ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਚਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਹ ਪਰਚਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੈਟਲਡ ਸੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੈਟਰ ਰੀਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਥਰੂ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰਸ ਮਗਰ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਟੋਪਾਧਿਆ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਊਟ ਆਫ ਟਰਨ DGP ਲਾਇਆ ਗਿਆ 22 ਦਿਨ ਉਹ DGP ਰਹੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹਦੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ SIT ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਨੋਬਡੀ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਜਿਹਨੇ ਵਰਦੀ ਪਾ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ DGP ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਠੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਨੇ ਗਿਲਟੀ ਪਾਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟਡ ਹੈ ਫਰ ਮੇਜਰ ਪੈਨਲਟੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ 22 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਸਭ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਆ VP ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਹਰ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਇਆ ਉਹ ਉਡੀਕਦੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਜਾਣ ਉਡੀਕਦੇ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਊ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਾਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਸਭ ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀ ਗੱਲ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਊ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ News 18 ਖਬਰ ਚਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤਾਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆ ਸਾਬਕਾ DGP ਪੰਜਾਬ ਦੇ